हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ रागिनी पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारी किचन में। तो आज हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, झटपट से, और ये इंस्टेंट बन के रेडी हो जाता है। तुरंत खाने के लिए तुरंत रेडी है। अच्छी बात ये है कि आप इसे स्टोर करके 2 से 3 महीने रख सकते हैं फ्रिज में, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि मिर्ची का अचार हमें कैसे बनाना है। मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मतलब 1.25 किलो मिर्ची ली है। ये जो मिर्ची ली है मैंने, ये थोड़ी मोटी साइज़ की आती है, छोटी मोटी साइज़ की, जो कि खाने में थोड़ी कम तीखी होती है, और इसे राजस्थानी मिर्ची के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाली मिर्ची को मैंने अच्छे से धो करके इसके डंठल निकाल दिए हैं और इन्हें मैंने सुखा लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक मिर्ची के 2 पार्ट किए हैं, मतलब एक मिर्ची को मैंने बीच में से स्प्लिट करके 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। आप मिर्ची का साइज़ बिल्कुल अपने मनपसंद आकार से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, जैसा भी आप खाना पसंद करें। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्चियों को इसी तरह से काट के रेडी कर लिया है। अब हमें इसका मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच धनिया के बीज ले लिए हैं, 2 बड़े चम्मच मैंने सौंफ ले लिए हैं। इसके साथ में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच राई के दाने ले लिए हैं, 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया है, 1 चम्मच मैंने कलौजी के दाने ले लिए हैं, और 1 चम्मच नहीं, 1/2 टेबल स्पून कलौजी के दाने लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, अचार वगैरह में नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, और मैंने यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून या टीस्पून हींग ले लिया है। अब हमें क्या करना है, सारे मसालों को मिक्सर के जार में ऐड करना है और इसे पीसना है। तो धनिया के बीज, जीरा, साथ में राई के दाने हम आधे डालेंगे, आधे हम तड़के के लिए बचा के रखेंगे। तो यहाँ पे राई के बीज मैंने डाल दिए, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कलौजी, जिसे अनियन शीट भी कहा जाता है, वो ऐड कर दिया, मेथी के दाने ऐड कर दिए। मेथी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा पसंद, जितना पसंद करते हैं वैसा कर सकते हैं। लहसुन ऐड कर दिया मैंने, सौंफ ऐड कर दिया, इसके साथ में मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर जो लिया था वो भी ऐड कर देंगे। इसके साथ में हम यहाँ पे नमक भी ऐड कर देंगे। तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, अचार वगैरह में थोड़ा ज़्यादा ही नमक डाला जाता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से राई के दाने बचा लिए और हींग बचा लिया है। बाकी सारी चीज़ों को हमने मिक्सर के जार में ऐड करके इसे पीस लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसे हल्का सा दरदरा पीसा है। अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो 4 से 5 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसका ऐसा पेस्ट बना के मसालों का रेडी कर लेंगे। अब चलना है हमें गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक कढ़ाई गर्म करके रख दी है, जिसमें हमें डालना है तेल। तो आप इसे चाहे तो राई के तेल में ही बना सकते हैं, मैं यहाँ पे इसे नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। तो 1 कप मैंने इसमें तेल डाल दिया, तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, तभी ये अचार लंबे टाइम तक अच्छा रहेगा। बची हुई राई और हींग डाल दिया है मैंने, और अच्छे से इन दोनों को पका लेना है। अब जो मसाले हमने पीस के रखे थे वो हम तेल में ऐड कर देंगे, और मसालों को लगभग हमें 15 मिनट तक मीडियम से स्लो फ्लेम पे भूनते हुए पकाना है। बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है, गैस का फ्लेम स्लो रखना है, और स्लो फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से भूनते हुए पकाएंगे। हल्दी पाउडर मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और अच्छे से मसालों में मिक्स कर लिया है। मसाले पकाते हुए लगभग मुझे 10 मिनट का वक्त हो चुका है, तो मैं गैस का फ्लेम स्लो करके थोड़ी देर के लिए मसालों को ढक देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, लगभग 15 मिनट तक मैंने मसालों को पका लिया है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हमने जो मिर्ची को कट करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मिर्ची को ऐड करने के बाद हम इसे तुरंत इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिर्ची मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट तक और पका लेंगे, जब तक कि मिर्ची का रंग हल्का सा चेंज ना हो जाए। आपको खुद मिर्ची देख के समझ में आ जाएगी कि अब यह अचार बनके तैयार है, मिर्ची अपना रंग पूरा बदल देगी। तो यहाँ पे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि सारे मसालों की कोटिंग मिर्ची पर हो जाए, और ये हमारा अचार बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाए। ढक देंगे लगभग 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे, और 5 मिनट के बाद इसे ओपन करके मिक्स कर लेंगे। बीच बीच में 1-2 बार चला लेंगे, वरना ही जल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मिर्ची का अचार बनके तैयार है। आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होता। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।